फाइनली सीजन तो चेंज हो चुका है हमारा सीएस रैंक का, एंड बहुत से बंदे यार ये रहते हैं कि हम जल्दी से स्टार प्लस करें, और बहुत बंदे सोचते हैं कि यार हम जल्दी से रैंक को प्लस करें एंड जल्दी से 100 स्टार करें। आज की इस वाली वीडियो के तो एंड तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना विन रेट को किस तरीके से बढ़ाना है। वो बात अलग है कि मेरा विन रेट यार थोड़ा सा कम है, लेकिन यार 62 का विन रेट यार काफी ज्यादा होता है, काफी बढ़िया होता है। अगर आप 10 मैच खेलते हो उसमें से अगर आपने 3 मैच भी बुया ले लिया तो ये काफी ज्यादा परफेक्ट बात है, एंड आप 5 मैच तो बुया इजीली ले लोगे। इस वीडियो के एंड तक देखते रहना। मैटर नहीं करता आप सोलो खेलो या फिर आप किसी के भी साथ खेल सकते हो। अगर देखो बहुत बार होता क्या है कि कोई स्कोर नहीं होती तो बंदे जो है अपने दूसरे प्लेयर को लेकर भी खेल लेते हैं सीएस रैंक, तो ये भी एक सही बात है। आप अपने टीममेट को लेकर भी खेल सकते हो या फिर स्क्वाड के साथ खेल सकते हो। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें आपको जो है यार टिप्स नंबर 1 बता देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए सीएस रैंक का हर एक मैच जीतने के लिए। देखो कई सारी सिचुएशन आ जाती है, कुछ इस तरीके की सिचुएशन आपके सामने आ जाती है, आपका एक या फिर दो ऐसे ऐसी सिचुएशन जो है हमें देखने के लिए मिलती है सीएस रैंक में। तो इसका जो एक परफेक्ट एग्जांपल है वो ये है, फर्स्ट राउंड में आप चाहो तो दो गन यूज कर सकते हो, M500 एंड WSP आप यूज कर सकते हो, एंड करेक्टर स्किल की बात करें तो आप ये वाला करेक्टर यूज कर सकते हो, एंड मिली वेपन आप ये वेपन यूज करो कटाना एंड साइथ, ये काफी ज्यादा खतरनाक वेपन है, इससे आप इजी तरीके से एनिमी को डोमिनेट कर सकते हो। एंड अगर आप अच्छे प्लेयर हो, अगर आपका सेकंड राउंड जीत जाते हो तो उसमें आपको अच्छी लूट मिल जाती है, लेकिन नहीं जीतते तो आपको एक ऐसी गन का यूज करना है जिससे आप एक परफेक्ट हेड मार पाओ, कोई कुछ ये वाली गन आप उसमें यूज कर सकते हो सेकंड राउंड। लेकिन एक चीज का ध्यान हमेशा रखना, अगर आप फर्स्ट राउंड जीत जाते हो तो आपकी लीड बन जाएगी, जिससे जो है आप इजीली तरीके से बाकी के जो मूड है वो जो बाकी के रैंक के मूड होते हैं उन्हें भी आप जीत सकते हो, क्योंकि बाकी जो फाइट होती है जो स्टेज होती है उनको भी आप इजीली तरीके से विन कर सकते हो। अगर आप जो है डुओ में खेलते हो तो आपको जो है अपने टीममेट के साथ ही रहना है एंड उसको कवर देना है, एंड अगर आप रैंडम अकेले साथ खेलते हो तो आपको अपनी स्क्वाड को जो है फुल कवर करना है। टिप्स नंबर 2 की बात कर लेते हैं। अब देखो अगर आपके पास कोई ऐसा प्लेयर है जो एक इन दोनों को अच्छे तरीके से यूज़ करना जानता हो, यानी कि ग्रेनेड और 20 टन का, अगर आपके पास एक अच्छा खासा पेट है लाइक जैसे कि आपके पास 20 टन है या फिर आपके पास मिस्टर वेगर है, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी यूज़ करो, लेकिन मिस्टर 20 टन आप यूज़ करना, ये काफ़ी ज़्यादा एक परफेक्ट पेट है अगर आप कोई ग्रेनेड यूज़ करते हो। नंबर 3 अभी हम बात कर लेते हैं। अब देखो सीएस रैंक जीतने के लिए सबसे बढ़िया क्या होता है, वो होना चाहिए आपका गेम प्ले। अगर आपका गेम प्ले परफेक्ट नहीं है तो आप कैसे जीतोगे, लेकिन गेम प्ले परफेक्ट हो या ना हो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप सीएस रैंक खेलो तो आपको मैच को थोड़ा डीप तक लेके जाना है। जैसे कि बैकग्राउंड वाली क्लिप में देख सकते हो, मैच को मैं डीप तक ले गया, यानी कि मैच को होल्ड करा जिससे सामने वाले एनिमी को पता भी नहीं चला, एंड इससे जो है एनिमी कंफ्यूज हो जाते हैं कि बंदा कहाँ से मारेगा कहीं से नहीं मारेगा, क्योंकि जब मैच होल्ड होता है तो जोन श्रिंक करता है एंड आप बुइया कर पाओगे मैच सभी। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप अपने टीममेट के साथ खेलो उनके साथ ही रहना, जैसे कि इस वाली क्लिप में देख सकते हो बहुत से बंदे एक साथ बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर आप अपने एनिमी को यानी कि जो आपका टीममेट है उनको कवर देते हो तो आप जीत सकते हो हर एक मैच। बस इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, एंड आगे की टिप्स मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको जो है और प्रॉब्लम ना हो सीएस रैंक जीतने में, क्योंकि सीएस रैंक यार विन करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नंबर 4 टिप्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब आपको कुछ ऐसी गन्स का यूज़ करना है जो कि हैवी डैमेज दें एनिमी को, लाइक कौन सी गन, चलिए वो मैं आपको ऐसी सिर्फ दो तीन गन है जो हैवी डैमेज देती हैं एनिमी को। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर वो आती है हमारी ग्रोजा, एंड दूसरी आती है हमारी AK-47। AK-47 भी इज़ द परफेक्ट ऑप्शन फॉर यू, लेकिन इसमें गड़बड़ रहती है, अगर एनिमी थोड़ा शॉर्ट में आ जाता है तो प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन जो ग्रोजा गन है वो एक ऐसी गन है जिससे आप लॉन्ग रेंज में एनिमी को इजीली तरीके से नोक कर सकते हो। खतरनाक डैमेज एनिमी को देना चाहते हो तो ग्रोजा एंड AK इन दोनों में से एक गन आपको यूज करनी है, अगर आप एक परफेक्ट मैच जीतना चाहते हो तो हैवी डैमेज के साथ, और भैया ले सकते हो हर एक मैच इजीली तरीके से। सो आई होप आप समझ गए कि आपको करना क्या होता है सीएस रैंक जीतने। तो बस आई होप आप इस वाली वीडियो में इतनी, मैंने आपको कुछ सिंपल सी टिप्स बता दी, बाकी मैंने कुछ ज्यादा भसड़ नहीं मचाई, नहीं तो आपके समझ में नहीं आता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।